श्री आडवाणी जी। मंदसौर से निर्वाचित बहन ने जो अभी अभी भाषण दिया, उसके बाद संभव है कि संसदीय कार्य मंत्री सोचते हों कि उन्हीं से क्यों न प्रस्ताव रखवाए। धन्यवाद का। सभापति जी, एकमात्र प्रस्ताव ऐसा होता है जो सरकारी पक्ष से आता है और जिसका कोई विपक्षी विरोध नहीं करता, क्योंकि धन्यवाद का प्रस्ताव है। सरकार की नीतियों की आलोचना होती है लेकिन प्रस्ताव का विरोध नहीं, और सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास होता है। दूसरे सदन में मेरे एक साथी हैं जो इस कारण भी कभी कभी इस बात का आग्रह करते रहते हैं कि जो परंपरा हमने यूके से शुरू की है, जहां पर सम्राट को या सम्राज्ञी को धन्यवाद दिया जाता है, वह शायद हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। और वो कुछ पिछले दिनों में तो एक बहुत सारे वकीलों का भी एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने वो प्रस्ताव रखा था, और उस सारे सम्मेलन में जिसमें बहुत सारे न्यायाधीश भी थे, उन्होंने भी उस बात की पुष्टि की। मैं इसको बहुत महत्व नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि कभी कभी कुछ बातें वर्षों से चली आती हैं, इसीलिए ही हम चलाते हैं। उसमें परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो सोचना जरूर चाहिए। बजट बहुत सालों तक 5 बजे होता है, उसको फिर अब बदल करके 11 बजे कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्योंकि कैबिनेट तैयार करती है, इसीलिए ये अपेक्षा जरूर रहती है कि क्रेडिट देते समय बिना किसी प्रकार की राजनीति और बिना किसी प्रकार के दलगत भाव के ठीक से बात लिखनी चाहिए। मुझे स्वयं ध्यान है कि वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे जब वित्त मंत्री थे, तब जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, वो वहां के उस समय के प्रधानमंत्री के कारण हुआ या वित्त मंत्री के कारण हुआ, इस बात में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था आर्थिक रणनीति में। और उस आर्थिक रणनीति में परिवर्तन के बाद हमारी ओर से कभी संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम पहले की रणनीति के कई पहलुओं के समर्थन में नहीं थे, और हम समझते थे कि अगर वो रणनीति बदली तो उसका देश को लाभ हुआ। और कुल मिलाकर के जितना समय 6 साल एनडीए की सरकार थी, जो पूर्व की सरकारों के अच्छे काम थे उनको निसंकोच हमने स्वीकार किया, उनकी प्रशंसा की। जबकि मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस प्रकार के लक्षण कोई नहीं देखता हूं। इस बार 6 वर्ष वाजपेयी जी का जो शासन रहा, उसमें अनेक उपलब्धियां हुई और उनका कंटिन्यूएशन आज होता है। आज अगर हम उल्लेख करते हैं कि हम रोडवेज में प्रतिदिन 20 मील या 20 किलोमीटर का है 20 किलोमीटर बनाने की योजना करेंगे, बहुत अच्छा करना चाहिए, उपलब्धि है बहुत बड़ी। अगर हम गर्व करते हैं कि
कितने टेलीफोन लगे एक महीने में, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि रोडवेज की योजना हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन की योजना हो, उसकी भूमिका एक प्रकार से एनडीए के शासन में मजबूती के साथ रखती है। अभी अभी बैठे थे यहां पर मुरली मनोहर जी, जब मीनाक्षी जी ने जिक्र किया सर्व शिक्षा अभियान का, तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी थोड़ी शुरू हुई, हमने शुरू की उसमें कोई आपत्ति नहीं। मेरा कहना यह है कि मैं इतना ही कहता हूं कि जहां तक संभव हो परस्पर सौहार्द बढ़े, इसी प्रकार का अप्रोच होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम विरोध में हैं, विपक्ष में हैं, हमारी ड्यूटी है कि कहीं पर भी कमी है तो उसको दिखाना, लेकिन मैं चाहूंगा कि कभी इस सदन में इस बात की चर्चा हो कि सरकारी कार्य, सरकारी संस्थाएं, सरकारी प्रोजेक्ट्स, उनका नामकरण अगर हो तो नामकरण कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा हो जाए, बहस हो जाए। अब मैं इस बार देखता हूं कि अगर एक योजना है राजीव, तीन नाम हैं जो बार बार आते हैं, कोई नाम हो, और नहीं नहीं मैं क्या राजेंद्र प्रसाद जी के देखिए, मैं आपको कहता हूं कि इससे मन जो है उससे विस्तृत होगा नहीं तो फिर इस समस्या का हल ही नहीं होगा। मोटी तौर पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, पंडित नेहरू का नाम हो, इंदिरा जी का नाम हो, राजीव जी का नाम हो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या कारण है कि आप प्लीज